अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उल्लासनगर में सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। नशे में धुत कार ड्राइवर ने रिक्शा और दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी है। भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह से उल्लासनगर की ओर आ रहे एक नशे में धुत कार ड्राइवर ने सड़क पर खड़े रिक्शा और दोपहिया वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे कल्याण बदलापुर रोड पर शांतिनगर में एक शराबी ड्राइवर ने रिक्शा और दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतना ज़बरदस्त था, ये तस्वीरों में देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस टक्कर में सोमुदीप जाना, अंजलि जाना, शंभूराम चौहान की मौके पर ही मौत हो गई, और जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सेंट्रल पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर लवेश रमानी को हिरासत में लिया है, और गाड़ी चला रहा ये युवक नशे में पाया गया। साथ ही जब उनकी कार का पंचनामा किया गया तो उसमें शराब की बोतल और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। आम्ही दोघं मित्र आणि माझा हेल्पर, आम्ही 2 ड्रायव्हर आणि माझा हेल्पर तिथं शांतीनगरला उभं होतो। एवढ्या स्पीडमध्ये तो आला, तो कारवाला माझ्या मित्राला उडवला। मी ट्रकच्या बाजूला थांबलेलो, मला तिथं दाबून टाकला। खूप वाटेचा प्रयत्न केला तर एवढा पूर्ण खापला निघाला एकदम। 5:15 भरपूर स्पीड, 3 जणांना मारलं त्यांनी, 2-3 रिक्षाला दाबून टाकलं, चेमून टाकलं, 2-3 कारांना हे करून टाकला। 3 डेड झाले। मी एक आहे, माझा मित्र एक आहे, जखमी भरपूर आहेत, 7-8 जण असतील।